हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सतीश वरकर एंड वेलकम टू द चैनल। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्दी से इसको शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को। इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, डिफाइन एंड डिज़ाइन अ टेस्ट क्रॉस। एक टेस्ट क्रॉस के बारे में हमको डिफाइन करना है और उसके अलावा इसको हम डिज़ाइन करना है। तो चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस आखिर हम बोलते किसको हैं। तो टेस्ट क्रॉस में क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं जीनोटाइप का, कि किस टाइप का जीनोटाइप होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर whether the individual exhibiting dominant character डोमिनेंट कैरेक्टर आर होमोजाइगस होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये जो कैरेक्टर है, जीनोटाइप कैरेक्टर, वो बेसिकली होमोजाइगस से होगा या फिर हेट्रोजाइगस होगा, ये हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देंगे, और वो जो रिसेसिव पेरेंट होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो इस तरीके से क्रॉसिंग एन ऑर्गेनिज्म हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप डोमिनेंट फीनोटाइप विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो इसके साथ क्रॉस करने को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। तो सपोज करिए एक प्लांट है जो हमको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्लांट है बेसिकली कैसा प्लांट है, टॉल प्लांट। किस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये टॉल। तो अगर ये टॉल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर जीनोटाइप आइडेंटिफाई करें तो इसके दो टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं। क्या हो सकता है, या तो वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप रहे तभी प्लांट कैसे दिखेगा, टॉल दिखेगा। और दूसरे तरीके से कैपिटल टी और कैपिटल टी रहेगा तब भी ये प्लांट कैसे दिखने वाला है, टॉल प्लांट दिखने वाला है। तो हमको यहाँ पे देखने से पता नहीं चल पाएगा कि इसमें जीनोटाइप ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी, कौन सा जीनोटाइप होगा ये पता नहीं चलेगा। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में हमने लिखा है कि इसमें हम क्रॉस किसका करेंगे, हम क्रॉस करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट क्या होगा, होमोजाइगस और रिसेसिव, दैट मीन्स स्मॉल टी, ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, इसके साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये यहाँ लिख देते हैं और एक यहाँ भी लिख देते हैं स्मॉल टी, इसके साथ क्या करेंगे, इस जीनोटाइप का हम क्रॉस करेंगे। तो अगर सपोज करिए ये टॉल प्लांट में अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी अगर जीनोटाइप होगा तो हमारे पास एक डिफरेंट रेशो के प्लांट्स आएंगे, और अगर कैपिटल टी कैपिटल रहेगा तो इसमें डिफरेंट टाइप के रेशो वाले हमारे पास प्लांट आएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस टाइप के प्लांट्स आएंगे। इसमें जीन जो बनेंगे वो बनेंगे कौन से, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये बन गए हमारे गैमेट।
और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जब इसके बीच में क्रॉस होगा तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से यहाँ पे 50% जो प्लांट रहेंगे वो कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे टॉल, 50% प्लांट टॉल, और यहाँ पे देखेंगे तो 50% प्लांट कैसे आएंगे, ये शॉर्ट। तो 50% प्लांट 50% शॉर्ट प्लांट अगर हमको फिनोटाइपिकली रेशो आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उसका जो फीन इसको जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। वही अगर जीन क्या हुए कैपिटल टी तो उस केस में क्या होगा, इसमें गैमेट बना लेते हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, इसमें गैमेट बना लेते हैं कैपिटल टी, थोड़ा सा यहां लिखते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, आफ्टर फ्यूजन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो प्लांट्स हैं 100% प्लांट वो कैसे हैं टॉल। तो 100% प्लांट यहाँ पे क्या आ रहा है टॉल आ रहा है। तो इस तरीके से अगर टेस्ट क्रॉस होता है किसके साथ, ये दोनों के साथ, और ये दोनों क्या है होमोजाइगस, रिसेसिव, पेरेंट। तो जब यहां पे क्रॉस होगा तो अगर 100% प्लांट टॉल आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहां पे जो जीनोटाइप है वो क्या होगा कैपिटल टी, और अगर 50% प्लांट टॉल और 50% प्लांट शॉर्ट आए तो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से हम यहां पे फाइंड आउट करने के लिए, जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको ये टेस्ट क्रॉस समझ में नहीं आ रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।